एक तरफ है एलियन एक्स बेन 10 यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर और दूसरी तरफ है ग्रैंड ज़ेनो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का टॉप कैरेक्टर। दोनों की पावर्स काफी हद तक यूनिवर्सल लेवल पर है कि इनके खुद के यूनिवर्स में कोई दूसरा कैरेक्टर इनसे नहीं टकरा सकता। इस वीडियो में हम इन दो कैरेक्टर्स को एक फाइट में यूज होने वाली एबिलिटीज के बेसिस पर कंपेयर करेंगे और पता लगाएंगे कि इन कैरेक्टर्स में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुमसे कुछ मिस ना हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम इस तरह की वीडियो मिस ना करो। तो इन दो कैरेक्टर्स को हम चार टर्म्स पर कंपेयर करेंगे, फाइटिंग पावर, एबिलिटीज या हैक्स, लिमिट्स ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो सबसे पहले इन दो कैरेक्टर्स की फाइटिंग पावर डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि बेंटन में दिखाया गया है, एलियन एक्स के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, सुपर ड्यूरेबिलिटी जैसे सुपर स्ट्रॉन्ग स्किल्स मौजूद है जो एलियन एक्स को एक बहुत ही अच्छा फाइटर बना सकते हैं। और ग्रैंड ज़ेनो की बात की जाए तो ये कैरेक्टर फाइटिंग पावर के मामले में सिर्फ एलियन एक्स ही नहीं बाकी किसी भी दूसरे कैरेक्टर से बहुत कम है, मगर ग्रैंड ज़ेनो के पास इमोर्टैलिटी है जो उसे सुपर ड्यूरेबल बनाती है। एबिलिटीज एंड हैक्स। एबिलिटीज या हैक्स की बात की जाए तो दोनों ही कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड है। एलियन एक्स जो बस सोचकर अपने यूनिवर्स को जैसे चाहे वैसे बदल सकता है, किसी चीज को क्रिएट करना, इरेज करना, टेलीपोर्टेशन, शेप शिफ्टिंग और जितने भी हैक्स सोचे जा सकते हैं एलियन एक्स सब कर सकता है। दूसरी तरफ ग्रैंड ज़ेनो, जिसकी कुछ क्रिएट करने की एबिलिटीज तो नहीं दिखाई गई है, मगर ये कैरेक्टर इन एन इंस्टिंक्ट किसी को भी मल्टीवर्सल लेवल तक इरेज कर सकता है, चाहे वो एक साथ कई यूनिवर्सेस या कोई दूसरे इमोर्टल कैरेक्टर को ही इरेज करने की बात क्यों ना हो। लिमिट ऑफ स्ट्रेंथ। अब एलियन एक्स की स्ट्रेंथ और एबिलिटीज की लिमिट नियरली इनफाइनाइट है, मगर ये चीज बस एलियन एक्स की खुद की रियलिटी तक लिमिटेड है। दूसरी रियलिटीज में उसकी फाइटिंग पावर्स पर तो असर नहीं पड़ेगा, मगर उसकी ओमनीपोटेंट एबिलिटीज जैसे क्रिएट करना, इरेज करना, दूसरे रियलिटीज के कॉस्मिक लॉज अलग होने की वजह से काम नहीं करेगी। मगर इस मामले में ग्रैंड ज़ेनो की एबिलिटीज मल्टीवर्सल है, चाहे कोई और यूनिवर्स हो या ऐसी कोई जगह जहां कुछ भी एग्जिस्ट ना करता हो, ज़ेनो की एबिलिटी हर जगह काम करती है। वीकनेस की बात की जाए तो एलियन एक्स इमोर्टल नहीं है। व्लैड आर्ट्स की स्पीशीज एलियन एक्स या दूसरे सेलेस्टी सेपियंस का लाइफ फोर्स एनर्जी ड्रेन कर सकती है जिससे उन्हें मारा जा सकता है, मगर ग्रैंड ज़ेनो पूरी तरह से इमोर्टल है। कोई भी दूसरा कैरेक्टर इसे ना इरेज कर सकता है ना ही जान से मार सकता है। अब इन चार टर्म्स पर दोनों कैरेक्टर को कंपेयर करने के बाद ये पता चलता है कि एलियन एक्स की फाइटिंग पावर ग्रैंड ज़ेनो से बेहतर है, और अगर लिमिट्स, वीकनेस और हैक्स की बात की जाए तो ग्रैंड ज़ेनो की एबिलिटीज एलियन एक्स से ऊपर के लेवल पर है। और एलियन एक्स की एक एबिलिटी जो मुझे बहुत खास लगी है वो है क्रिएशन एबिलिटी, जो ग्रैंड ज़ेनो के पास बिल्कुल नहीं है। अब इस टॉपिक पर तुम्हारी अलग राय हो सकती है जिसे तुम कॉमेंट्स में बेझिझक लिख सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो। ऐसे ही कंटेंट के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।